अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्रीकाल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी है महिंद्रा सुपरो मिनी, फुल बॉडी जो देख पा रहे इधर, और इसमें प्रॉब्लम है 30-40 लास्ट पूरा 40 तक गाड़ी का पिकअप भाग रहा है। तो इसमें हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। दिखाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई की, और जो हम लोग काम करते हैं टीम वर्क काम होता है, हर बंदे को हेल्प मिले। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, तो आज मेरे पास एस टूल का 74 है, कम बजट में टूल, बेहतरीन टूल है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो आज हम चेक करेंगे, कितना आदमी बोलता है कि शूट मार ज़्यादा होने पे 74 से काम नहीं होता, तो आज मैं चेक किया हूँ चाबी उन लोग यहाँ पे, तो शूट मास का लिखा है। चलिए स्कैन करेंगे और स्कैन करके फोल्ड फोड आएगा और बारीक आपको बताएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को करना कैसे है। तो चलिए आइए दिखाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फाइनल ट्राई करके आ गए और अभी भी प्रॉब्लम है, तो चलिए अभी गाड़ी को स्टार्ट करके शूट मास। इतना लंबा लेके कैसे ले पूरा है, इतना लंबा लेके स्टार्ट अपने लिए नहीं है, तो नोजल इतना लंबा हो रहा है ना, तो नोजल प्रॉब्लम या डीजल फिल्टर है सब। ये डीजल फिल्टर तो परसों पे लगा हुआ है, नया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है मास। अब सर्विस तो हमने देखिए लगा लिया और यहाँ BS6 अब देख पा रहे हो सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले फोल्ड कर चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। देखिए शूट मास वेरी हाई, 2 नंबर करंट में है और ये सब रेयर प्रेशर पर है, क्योंकि ये कोड क्यों आ रहा है जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोड आने का कारण है क्योंकि गाड़ी जो है जरबत्ती चलाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक कोड आता है, मेन तो कोड यही दोनों है। उसके बाद आप शूट मास चेक करेंगे, आपको यहाँ जाना है शूट, देख पा रहे हैं शूट मास 29, तो काम होगा कि नहीं, काम हो जाएगा, तो चलिए चेक करते हैं इसका काम होता है कि नहीं। तो ऐसे 22-25 तक मैं किया हूँ और यहाँ तक तो मैं 100 तक किया हूँ, और बाकी आप वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे देखना, सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे, या बोलेरो पिकअप हो या बोलेरो पावर प्लस हो या सुपरो हो, ये सब में सारे में मैं काम किया हूँ। यहाँ तक तो 100 तक जो था शूट मास उसको भी मैं काम किया हूँ, तो चलिए काम करके आपको दिखाते हैं और कैसे करना है ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, पोल कोड को क्लियर करते हैं, यहाँ पे पोल कोड था क्लियर जो हो गया, ठीक है सक्सेस। अब उसके बाद देखते हैं कौन कौन फोल्ड बच रहा है। देखिए शूट मास का बच गया ये वो, ठीक है, अब गाड़ी को हीट करके सर्विस रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो गाड़ी को हीट करेंगे 58 है उसको हीट करेंगे, तो गाड़ी को स्टार्ट रखना है। गाड़ी को रेस छोड़ देना है, तो सभी रेसन चालू हो गया, कोई से रेस नहीं यहाँ पर देखें, और यहाँ पे अभी तक कब तक हो रहा है ये चेक करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे फाइनल हो गया, डीएफ रेगुलेशन कंप्लीट सक्सेसफुल, और यहाँ पे जो आ रहा था ख़त्म हो गया, जो देख पा रहे अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब शूट मास चेक कर देते हैं कितना हुआ, देख पा रहे 0.7, तो गाड़ी कंप्लीट हो गया।
देख पाए, फाइनल काम हो गया। लगभग 40 मिनट तक लगा इसमें और फुट मास भी दिखा पाए, अभी भी दिखा सकते 0.7 है, मशीन भी पूरा हीट हो गया हुआ। तो 70% आज मेरा काम हो गया और फिर आपको गाड़ी चेक चला के और ट्राई करके आपको गाड़ी चेक कराते हैं, प्रॉब्लम है कि नहीं। तो चलिए चला के चेक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। और फोल्ड कोल्ड भी देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, इधर इधर करो, नो टर्बो कोड, क्योंकि यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं है इसलिए नो टर्बो कोड आ रहा है, यहाँ पे आता है। चाबी आपको भी दिखा दे रहे हैं, आया और ख़त्म हो गया। इसमें लिखता है DPS सूच मास, तो ख़त्म हो गया।